हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियोग्राफी ग्रूप टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास नाइन्थ एस एस टी सोशल साइंस वर्कशीट नंबर फोर्टी थ्री टूडेज़ वर्कशीट इज़ ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट वन एंड वेरी इजी वन काफ़ी आसान है आज की हमारी वर्कशीट और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है फ्रॉम दिस वर्कशीट वी आर गोइंग टू बिगिन आवर हिस्ट्री चैप्टर नंबर थ्री नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर यानी हमारा हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर वो हम शुरू करने जा रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है हम इस चैप्टर में समझेंगे हिटलर कैसे हिटलर बना कैसे वो एक आम सैनिक थे उससे वो हिटलर बन गया जर्मनी का चांसलर बन जाता है और जो सेकंड वर्ल्ड वॉर का एक बड़ा कोज भी होता है सो दिस चैप्टर इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग वन इन दिस वर्कशीट टूडेज़ वर्कशीट वी आर गोइंग टू एनालाइज द सर्कम दैट लेड टू द राइज ऑफ हिटलर यानी कि हिटलर को आगे बढ़ने में कौन से सकम स्टांसेज है उन्होंने मदद की सो इन दिस वर्कशीट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द डिफीट ऑफ जर्मनी इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाइमर रिपब्लिक एंड द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स चलिए शुरुआत करते हैं एज इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन दिस इज वर्कशीट नंबर फोर्टी थ्री आ सब्जेक्ट एस एस टी सोशल साइंस एंड इन सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर नंबर थ्री नाजिजम एंड द राइज ऑफ हिटलर वी आर गोइंग टू बिगिन एंड डेट थर्टींथ ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी जर्मनी वॉज ए पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी जर्मनी काफ़ी पावरफुल था अगर हम थोड़ा सा और बैकग्राउंड में जाएँ इट वॉज जर्मनी और द जर्मन यूनिफिकेशन वॉज कम्प्लीट इन एटीन सेवनटी वन यानि कि एटीन सेवेंटी वन से पहले जर्मनी था ही नहीं बट इट मेड ए क्वाइट ग्रोथ ड्यूरिंग दैट पीरियड काफ़ी तेजी रैपिड ग्रोथ है वो होती है और जल्दी जहाँ से कि एक राष्ट्र भी नहीं था वहाँ से एक पावरफुल नेशन में कन्वर्ट हो जाता है टिल 1910 के आसपास एंड जर्मनी वॉज ए पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी एंड फोर्थ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिटवीन 1914 टू नाइनटीन और उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये पार्टिसिपेट करता है और ये फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर जिसकी शुरुआत होती है 1914 से और ये कंटिन्यू रहता है 1918 तक अलॉन्ग साइड द ऑस्ट्रियन एम्पायर अगेंस्ट द अलाइज़ कि उस वक्त दो ग्रुप होते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलाइज नेशन एंड सेकेंड जो ग्रुप था सेंट्रल पावर्स था इन अलाइज नेशन इंग्लैंड फ्रांस रशिया लेटर इटली रोमानिया वर ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ द अलाइज एंड इन नाइनटीन सेवनटीन यू एस एल्सो एंटर्ड इन द वॉर सो अलायज नेशन में इंक्लूड थे इंग्लैंड फ्रांस रशिया एंड यू एस ए दीज वार दिन कंट्रीज ऑफ द अलायज नेशन ऑन द सेकेंड इन द सेकेंड ग्रुप इन द अपोजिशन ग्रुप की बात करें सेंट्रल पावर्स वर देयर अमंग द सेंट्रल पावर्स मेन कंट्रीज वर जर्मनी ऑस्ट्रिया एंड टर्की यानि कि जर्मनी ऑस्ट्रिया टर्की दूसरी साइड थे और एक साइड थे अलायज नेशन इंग्लैंड फ्रांस रशिया एंड यूएस ए एंड सेंट्रल पावर्स वर डिफीटेड बाय द अलाइज इन दैट वर्ल्ड वॉर द मेन कॉज ऑफ देयर डिफीट वॉज द एंट्री ऑफ द यू एस ए यू एस ए ने एंट्री की उसके कारण जो सेंट्रल पावर्स थे दे बिकम वीकर एंड देड टू फेस द डिफीट उनको हारना पड़ा ये तो दैट वॉज क्वाइट नेचुरल कि कोई एक तो उनमें से हारना था किसी एक रुप को बट आफ्टर दिस द जर्मन एम्पायर एबडिकेटेड द थ्रोन एंड एट ए व्याम ए प्लेस इन जर्मनी अ डेमोक्रेटिक कंस्टिट्यूशन विद फेडरल स्ट्रक्चर वॉज एस्टेब्लिश्ड अब डिफीट हो गई डिफीट के बाद जर्मनी में काफ़ी कुछ उथल फुथल हुआ क्या हुआ पहला था देर वॉज द बर्थ ऑफ द वायमा रिपब्लिक अब पहले दैट इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये वायमा रिपब्लिक क्या यह हमें समझना है दैट आफ्टर द डिफीट ऑफ द जर्मनी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द जर्मन एम्प्रायर वॉज एबडिकेटेड द थ्रोन उसने गद्दी को छोड़ दिया जर्मन के एम्प्रायर ने एंड वाइमर दैट इज ए प्लेस इन जर्मनी एक जगह है जर्मनी में वहाँ पे ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेमड एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम किया जाता है बनाया जाता है एंड जर्मनी वॉज डिक्लेयर्ड एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है एंड ऑल द पीपल ऑफ द जर्मनी वर गिवन इक्वल एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और वोट राइट टू वोट यानी कि सभी को वोट डालने का राइट मिल जाता है सो फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वॉज एस्टेब्लिश इन द जर्मनी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तुरंत बाद जर्मनी में इलेक्शन होते हैं और एक गवर्नमेंट बनती है बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेमड एट वाइमर वाइमर जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन बना था सो दिस गवर्नमेंट वॉज गिवन द नेम एज वाइमर रिपब्लिक इसलिए इसको नाम दिया गया वाइमर रिपब्लिक अब मतलब ये उथल पुथली बट सुन आफ्टर दैट जर्मनी हैड टू फेस ए वन साइड ट्रीटी एट दर्शाइल वहाँ वर्साइल ट्रीटी ऑफ वर्साइल कहा जाता है इसको ट्रेटी ऑफ वर्साइल वर्साइल क्या है वर्साइल इज ऑल्सो ए प्लेस इन जर्मनी ये भी एक जगह है जर्मनी में सो जर्मनी इज डिफीट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द वन साइड पीस ट्रिटी एट वर्षाइल वॉज इम्पोज ऑन द जर्मनी जर्मनी के ऊपर uh, ट्रीटी सौंप दी जाती है ट्री ट्रीटी होती है संधि ओके okay? and with the allies was a harsh and humiliating treaty and this treaty was quite harsh काफ़ी कठोर थी and it was humiliating काफ़ी बेइज्जती वाली थी अब इस treaty में ऐसा क्या था कि how we can say that it was a harsh कैसे ही harsh थी बिकॉज द अलाइड पावर demilitarized जर्मनी यानी कि जर्मनी को सेना रखने पे आर्मी रखने पे military रखने पे रोक लगाती दी सो जर्मनी बिकेम अ वीक कंट्री यानी जहां सुपर पावर था और कहाँ बिल्कुल वीक कंट्रीज को बना दिया जाता है सो अलाइड पावर्स डीमिलिटराइज जर्मनी सेकेंड द वॉर गिल्ट क्लोज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर इसके साथ साथ जर्मनी वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर जर्मनी को यह माना गया कि वॉर इसी के कारण हुआ है एंड द अलाइड फोर्सिस इंपोज कंपनसेशन अमाउंट ऑफ सिक्स बिलियन पाउंड्स और लगभग सिक्स बिलियन पाउंड सिक्स बिलियन वन बिलियन इक्वल टू हंड्रेड करोड़ उस वक्त काफ़ी बड़ा अमाउंट था तो सिक्स बिलियन पाउंड का फाइन इम्पोज कर दिया जाता है जर्मनी के ऊपर सो इट वॉज़ क्वाइट हार्ड स्टिटी फर्स्ट जर्मनी वॉज डीमिलिटराइज सेकेंड अ फाइन वॉज इम्पोज ऑन जर्मनी इट वॉज सिक्स बिलियन पाउंड एंड जर्मनी वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उसे ही जिम्मेवार माना गया एंड थर्ड द रिसोर्स रिच राइन लैंड एरिया ऑफ द जर्मनी वॉज ऑक्यूपाइड तीसरा ये था जर्मनी का राइन लैंड इलाका राइन लैंड मीन्स दैट इज द एरिया नियर द राइन रिवर है वहाँ पर उसके आसपास का इलाका है दैट इज क्वाइट रिच इन द रिसोर्सेज या यूं कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर फाउंड इन दैट राइन लैंड ज़्यादातर जो मिनरल्स है जर्मनी के वो उसी इलाके में मिलते हैं सो दैट राइन लैंड एरिया वॉज लॉस्ट बाय द जर्मनी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये छीन लिया जाता है उसे इट वॉज नेस्ट बाय द फ्रांस फ्रांस उस पे ऊपर कब्जा कर ले कर लेता है एंड जर्मनी लोस्ड इट्स ओवरसीज कॉलोनीज इसके साथ साथ जर्मनी की जो ओवरसीज कॉलोनीज थी यानी जैसे कि इंडिया वॉज द ओवरसीज कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन इन द सेम वे जर्मनी टू हैड ए ओवरसीज कॉलोनीज वो भी उनसे छीन ले गई अ टेंथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन टेन परसेंट ऑफ इट्स पॉपुलेशन वॉज पॉपुलेशन इट मीन्स दैट टेन परसेंट ऑफ इट्स ओन एरिया वॉज ऑल्सो स्नेस्ड फ्रॉम दैट वन जर्मनी से छीन लिया जाता है थर्टीन परसेंट ऑफ इट्स टेटरीज थर्टीन परसेंट के आसपास इसका एरिया सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ आयन एंड ट्वेंटी सिक्स परसेंट ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस पोलैंड डेनमार्क एंड लिथुआनिया यानी कि ये सभी जो इलाका था वो उसके आस के फ्रांस पोलैंड डेनमार्क और लिथुआनिया उनको हैंड कर दिया जाता है सो जर्मनी वॉज नॉट ओनली डीमिल्ट्राइज नॉट ओनली ही वॉज इम्पोज फाइन

जो स्टेज की बात करते हैं मंच जिसको हम बोलते हैं इट वॉज रेडी फॉर द राइज ऑफ द हिटलर ये रेडी हो गया था आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो यहाँ पर हमने आज हमने पढ़ा कि कैसे वाइमर रिपब्लिक क्या था एंड वट वर विच कंट्रीज वर इन द साइड ऑफ द जर्मनी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अमंग द सेंट्रल पावर्स एंड विच कंट्रीज वर इन द अलाइज फोर्सेज एंड वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट द ट्रीटी ऑफ वर्साइल यानी कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल क्या थी कैसे उसको हम हार्श ट्रिटी कह सकते हैं नाउ लेट्स मूव टू द मैप एक मैप भी हमें दिया गया यहाँ पे एज इट इज विजिबल दिस इज मैप ऑफ जर्मनी ये जर्मनी का मैप है और आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी लॉस्ट दिस टेरेट्री टू लिथुआनिया

टोटल सिक्स क्वेश्चन आर देयर इन दिस वर्कशीट सिक्स क्वेश्चन दिए गए इस वर्कशीट में एंड ऑल द क्वेश्चन आर क्वाइट इजी। पहला जो क्वेश्चन है नेम द कंट्रीज विच वर पार्ट ऑफ सेंट्रल पावर्स एंड अलाइड फोर्सेज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो अलाइड फोर्सेज में इंक्लूड थे इंग्लैंड फ्रांस रशिया एंड यूएसए एंड सेंट्रल पावर में इंक्लूडेड थे जर्मनी ऑस्ट्रेलिया एंड टर्की सेंट्रल पावर्स वर डिफीटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड क्वेश्चन दिया गया हाउ वॉज द वाइमर रिपब्लिक डेमोक्रेटिक वाइमर रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कैसे था द वाइमर रिपब्लिक वॉज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिकॉज इट वॉज इलेक्टेड बाय द पीपल इंक्लूडिंग वीमेन थ्रू द सफरेज यानी कि इसको लोगों ने चुना था तो ये डेमोक्रेटिक था इट वॉज नेचुरल थर्ड क्वेश्चन इज देयर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन वट वर द दार्स कंडीशंस ऑफ द ट्रेडी ऑफ वर्साइल्स वाई इट वॉज कॉल्ड ह्यूमिलेटिंग कि कौन कौन से टर्म्स थे हार्श टर्म्स कौन से थे ट्रिटी ऑफ वर्साइल्स के और इसको हम ह्यूमिलिटिंग कैसे कह सकते हैं सो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट टर्म ऑफ द ट्रिटी ऑफ वर्साइल्स द जर्मनी द जर्मन आर्मी वॉज डिस्पेंडेड इट मीन्स दैट द जर्मनी वॉज डीमिलिटराइज उसकी सेना को भंग कर दिया गया सेकेंड जर्मनी वॉज ब्लेम्ड फॉर द वॉर जर्मनी वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उसे दोषी माना गया जर्मनी वॉज फाइंड सिक्स बिलियन यूरो सिक्स बिलियन पाउंड एंड फोर्थ द रिच राइनल लैंड रीजन ऑफ जर्मनी मिनरल वेल्थ वॉज हैंडेड ओवर टू फ्रांस जो रिच राइन लैंड रीजन था जर्मनी का जो कि काफ़ी रिच था मिनरल वेल्थ में इट वॉज हैंडेड ओवर टू फ्रांस एंड फिफ्थ द ऑल ओवरसीज टेरिटरीज ऑफ जर्मनी वर ऑल्सो टेकन अवे यानी उसके ओवरसीज कॉलोनीज थी वो भी उससे ले ली जाती है तो ये हार्श ट्रीटीज थी क्योंकि काफी कुछ इसमें हार्स था जो अकेले जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल मान करके उसके ऊपर थोपा गया था इट वॉज ह्यूमिलेटिंग द ट्रीटी वॉज ह्यूमिलेटिंग बिकॉज जर्मनी वॉज मेड अ वीक नेशन अंडर दिस ट्रीटी एंड वॉज कंसिडर्ड ए क्रिमिनल ऑफ वॉर कि इसको हार्स इसलिए माना गया ह्यूमिलेटिंग इसलिए माना गया क्योंकि उसको बहुत कमजोर बना दिया गया था और उसे ही केवल युद्ध के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया फोर्थ क्वेश्चन इज देयर वॉज इट फेयर टू हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉर गिल्ट अकॉर्डिंग टू यू गिव रीजन फॉर योर आंसर क्या जर्मनी को ही केवल दोषी माना जा सकता है अकॉर्डिंग टू मी जर्मनी कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल अलोन फॉर ऑल द डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉर ऑल द कंट्रीज एंड देयर पॉलिसीज व ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एज रिस्पॉन्सिबल एट जर्मनी वॉज द अलाइज वार ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन जितना जर्मनी था उतना ही अलाइज भी रिस्पॉन्सिबल थे फिफ्थ वन फिफ्थ क्वेश्चन इज देयर इफ़ यू वर ए जर्मन सिटीजन अगर आप जर्मनी के नागरिक होते ऐट द टाइम उस टाइम में होते वट वर योर व्यूज फीलिंग्स इमोशंस अबाउट द ट्रेटी ऑफ वर्साइल आपके लिए ट्रेटी ऑफ वर्साइल्स के लिए क्या व्यूज होते आपके सो इफ आई वर द व जर्मन सिटीजन एट द टाइम दैन द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वुड हैव बिन अन इंसल्टिंग ट्रेटी फॉर मी एज वेल कि मेरे लिए भी वो इंसल्टिंग होती ह्यूमिलेटिंग होती बिकॉज दिस ट्रिटी टुक अवे ऑल द प्राइड ऑफ द जर्मन नेशन एंड मेड इट ए वीक एंड शेवी नेशन उसे बिल्कुल कमजोर और असहाय जिसे कहते हैं निर्बल कहते हैं इस प्रकार का देश बना दिया गया था सिक्स क्वेश्चन इज देअर सिक्स क्वेश्चन है ऑब्जर्व द अबाउ गिवन मैप जो हमें मैप दिया गया उसको आपको ऑब्जर्व करना है ऑब्जर्व द गिवन मैप ऑफ जर्मनी एंड राइट द नेम्स ऑफ टू टेरेट्रीज लोस्ड बाई इट आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वर्षाइल दो इलाकों के नाम भी लिखने हमें जो उस ट्रीटी के बाद वर्षाइल ट्रीटी के बाद खो दिए थे जर्मनी ने सो so, वो टू एरियाज़ में से सबसे इम्पॉर्टेंट थे अलसेस एंड लोरेन बोथ रीजन्स वर लोस्ट बाय जर्मनी टू फ्रांस यानी कि जर्मनी ने फ्रांस को हैंड ओवर करने पड़े थे तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट काफ़ी आसान थी और काफ़ी इम्पोर्टेंट थी आसान इसलिए क्योंकि हिस्ट्री का पार्ट था फिर भी काफ़ी ईजी लगा ऐसा लगा नहीं कि हिस्ट्री का पार्ट है एंड आई होप दैट योर स्टडी इज़ गोइंग वेल आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी ऐसे ही आप चलते रहिए ऐसे ही साथ बने रहिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू बाय बाय ए नाइस डे